माधव वो क्या है वैदेही, बोलना। चित्रा दीदी। चित्रा, चित्रा क्या, चित्रा क्या वैदेही, बोलना। चित्रा दीदी ने माधव कितने सवाल पूछेगा, उसकी हालत तो देख कितनी कमजोर लग रही है। हाथ दिखा, इसे तो बुखार है। ये सवाल जवाब हम बाद में भी कर सकते हैं, इस वक्त इसका ख्याल रखना जरूरी है। जा जा जाकर ठंडी पट्टी का सामान लेकर आ, मैं तब तक उसे हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। ठीक है मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो ठीक है ना वैदेही? जी बड़ी माँ। ये सर पे इतना सिंदूर कैसे लग गया? ये चित्रा दीदी की वजह से हुआ है बड़ी माँ। चित्रा? वो मुझे जान से मारना चाहती थी। क्या तूने ये बात माधव को तो नहीं बताई ना? वैदेही मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगी और मैं चित्रा के सामने तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे मुझ पर एक एहसान करना होगा, मुझे वचन देना होगा कि तू ये बात माधव से कभी नहीं कहेगी। देख मैं नहीं चाहती कि माधव परेशान हो, बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशी आई है, फिर चित्रा की बात होगी, फिर परेशान होगा वो, फिर वो अपने अतीत में चला जाएगा। मैं नहीं चाहती ये सब कुछ, पर तू मुझे वचन दे कि तू माधव से कुछ नहीं कहेगी, अपनी बड़ी माँ की बात मानेगी ना? तू नहीं चाहती कि माधव खुश रहे? चाहती हूँ बड़ी माँ। चाहती है ना, फिर मुझे वचन दे कि तू माधव से कुछ नहीं कहेगी, तुझे बड़ी माँ की कसम। माधव की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बड़ी माँ, और अगर आप चाहती है तो मैं माधव से कुछ नहीं कहूंगी चित्रा दीदी के बारे में। मैं जानती थी वैदेही अपनी बड़ी माँ की बात कभी नहीं टालेगी। ये ले दूध पी ले। इस गवार को पट्टी तो पढ़ा दी है मैंने, अब भगवान करे माधव के सामने ये अपना मुंह ना खोले।